need a second to take a breath. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और एक व्लॉग आ गया होगा और एक व्लॉग स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है। तो चलो, सबसे पहले हमारे लाइफ का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद तैयार होंगे, तैयार होने के बाद कॉलेज निकल जाएंगे। ये तीन तो वही जरूरी काम है, तो फटाफट वो काम निपटाते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकलेंगे। और आयोशन तो है नहीं, और तो अफसर के साथ जाना है तो अफसर को कॉल करूंगा, ये बताना पड़ेगा। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि इसको खाने में टाइम लगता है, क्योंकि हेल्दी नाश्ता भी है प्लस इसको खाने में आराम आराम से खाना पड़ता है एक्चुअली। तो कॉलेज के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी टाइम 9 बज चुके हैं, 9:30 तक आएगा। सेल्फी भी उसके निकलेंगे, क्योंकि आज फ्रेशर्स का आखिरी दिन, मतलब कल फ्रेशर्स है तो आज जो करना है वो आज करना है, तो उसके लिए तैयारियां करनी है। तो निकलेंगे 9:30 तक, फिर आराम से आज सारे काम निपटाएंगे फ्रेशर्स से रिलेटेड, फिर उसके बाद कल फ्रेशर्स है, कल फ्रेशर्स इन्जॉय करेंगे। और क्या, माता श्री लगी हुई है सब्जी बनाने में, और सब्जी आज हमारा है मटर और आलू, मटर टमाटर तीनों सही है। बाकी बाहर जो ठंड है भाई साहब, क्या ही बताऊं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो आया हुआ है, और ठंड निकाल देखो, फिर भी इनमें ये लोग काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है इस ठंड में भी। ऐसे लोग को ही तो सल्यूट करना चाहिए जो इस ठंड में भी हमारे लिए हमारे घरों से कूड़ा ले जाते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे आए हैं कैटरर के पास, जो है जिसको हमने ऑर्डर दिया अपने फ्रेशर्स के लिए खाने का, और यहाँ पे हम बैठे हैं। अब अंदर सैफी गया है, तो चलो मैं भी चलता हूँ अंदर, देखते हैं क्या कैसे है। बाकी कैटरर्स ने अंदर बाहर गार्ड बहुत सही रखा है गौ माता को। You're in my head. We're under pressure. We're sinking deep like stormy weather. Can't see. हमारे जो है, हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर पे चीनी लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी स्वीट है फुल उसमें चीनी की डिमांड है, तो बड़े अमाउंट में चीनी की थी, वो यहाँ से ले रहे हैं, उसे सैफी ले रहा है। तो उसके बाद फिर जाएंगे सारे सामान को दे देंगे हलवाई को, वो बनाएगा। हम यहाँ पे आए हैं बेगम पुल, और हमें भूख लगी थी तो हम यहाँ पे भेलपुरी खाने आए हैं। चलो उसे खाते हैं। तो ये हमारा भेलपुरी और ये सैफी। तो फाइनली गाइस, कॉलेज का काम निपटा के फाइनली घर आ चुका हूँ, और अब पारी है खाना खाने की, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी सुबह से। भाई साहब कुछ नहीं खाया, जो लंच लाया था वो दोस्त लोग ने खा लिया, तो उनको उन्हें भी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो उन्हें खिला देते हैं। फिर उसके बाद बेगमपुल गए, बेगमपुल पर वही थोड़ा बहुत भेलपुरी खाया, उससे पेट नहीं भरा। तो अब पारी है खाना खाने की, प्रॉपर खाना खाएँगे। और बाकी आज तो भाई साहब हालत ख़राब हो गई प्रिपरेशन में, वो फाइनली हो भी गया हमारा जो टास्क था, मतलब खाना बनवाने का, वो हो गया। तो अब ये है कि कल सुबह सुबह सब्जी बनवाएंगे, तो फिर वो काम भी है, तो वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले खाना खा लेते हैं। और आज हमारे खाने में है आलू मटर की सब्जी, भाई साहब टेस्टी सब्जी होगी। तो गाइस, अभी रात के 4 बज रहे हैं, और अभी जाके मेरी नींद खुली है एक्चुअली, साथ इतना थक गया था कि सो गया था, तो अब जाके नींद खुली है, खाना मेरा सब हो गया था। तो बस इतना ही रखते हैं ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना उसको उतना शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर लिया करो। बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।